भाई बाजार में मिल रही थी सस्ती सस्ती, लूट लो लूट लो, 500 500 रुपए का, 500 500 रुपए की। है मैंने बोला इतना भी नहीं आज होता। आज जो है लूट लो, 1000 रुपए की दो मिली है। कम नहीं करी उसने, मैंने बोला था भाई दोनों के ले ले 800 रुपए, चार चार सौ। बोला नहीं भाई सेल लगी हुई है, रेहड़ी के ऊपर लगी हुई थी सेल, तो रेहड़ी वाले से लिए मैंने। मैं बोला भाई वो इतनी सस्ती क्यों दे रहा है। खाने की चीज इतनी महंगी मिल रही है और चप्पल सस्ती मिल रही है। हाँ नहीं चप्पल यूं सस्ती मिल गई ना बाबू, मेरे नसीब अच्छे, मेरे नसीब अच्छे, इनके 1000 रुपए में दो जोड़ी मिल गई। हाँ 1000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह का, अभी अभी हम नाश्ता करके उठे हैं। मैं तो अभी उठी भी नहीं हूँ, कपड़ा भी ऐसे ही बिछा हुआ है, दस्तरखान मैंने अभी तक नहीं उठाया है। और आज अगर मौसम की बात की जाए, मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ है। कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है, बादल हो रहे हैं, कभी सही हो रहा है आसमान, यानी कि सुबह से जो है ना ऐसा ही हो रहा है, बादल आ रहे जा रहे हैं, धूप आ रही जा रही है। 5 मिनट धूप आती है तो 10 मिनट छांव रहती है, हवा भी चल रही है, साथ साथ ठंडा मौसम हो रहा है। कल से आज ज्यादा ठंडा है, क्योंकि कल तो बारिश आई थी और आज जो है ना ठंडा हो रही है, सर्दी हो रही है। रात को भी सर्दी लग रही थी सोते वक्त, तो कल तो हमने बिल्कुल भी पंखा नहीं चलाया था, नहीं तो चला लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, फिर बंद कर देते हैं सारी रात। ये देखें जी, दस्तरखान भी अभी तक ऐसे ही बिछा हुआ है। मैंने सोचा जब मैं उठूंगी ना, जब उठा लूंगी, साथ साथ इसको मैं अभी आकर उठाती हूँ। और अभी हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर पापा देखे हैं इधर किचन में कुछ काम कर रहे हैं। पूछती हूँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि सौदा क्या क्या लेकर आना है, क्या क्या खत्म आया हुआ है। क्योंकि हाँ, सौदा खत्म हुआ हुआ है ना, तो लेकर आना है। पिछले हफ्ते भी नहीं लाए थे ना आप? वो भूल गया था और बाजार भी जाना था। हाँ, ये देखा, पूरी बाल्टी इस बार खाली पड़ी है, नहीं तो फुल भरी हुई होती है। हाँ बाजार से लेकर आऊंगा मैं, चलें और आज ठीक है। पानी भी खत्म हो गया सारा। हाँ पानी भी खत्म हो गया, पानी भी मंगवाना है शाम तक या अभी थोड़ी देर में। और कुछ चीज याद है तो बताओ मेरे को, फिर तेल आएगा, घी दूध आएगा, आएगा। दाल खत्म हुई भी है, दाल लेकर आनी है, दूध भी खत्म हो गया, दूध भी लेकर आना है। हाँ चले फिर देखता हूँ मैं। और आज क्यों ये छोले ये भिगो लेना, अच्छा, मसाले वाले छोले वाले चावल पका लेंगे। सही चलें है, ठीक है, हाँ ये मैं भिगो के रख दूंगी अभी थोड़ी देर तक। ये भिगो लेना। हाँ, और आप ये सोडा लेने के लिए जाएंगे तो मैं घर के काम कर लूंगी, और फिर उसके बाद पानी वाले को भी फोन करना है, आपने पानी मंगवाना है। पानी लाइट आएगी जब पानी वाले को फोन करूंगा, क्योंकि लाइट गई हुई है ना। हाँ है पानी वाला जब भी आएगा, जब लाइट आएगी। चलें ठीक है। ये देखें जी, सफाई वगैरह मेरी सारी हो चुकी है और भाई और पापा भी आ चुके हैं। ये देखें लाइट भी आ चुकी है साथ साथ, यानी कि भाई पापा भी आए और साथ में लाइट भी आ गई। भाई बैठे हैं यहाँ पर और पापा यहाँ पर बैठे हैं। ये देखें जी जरा कितना सारा सामान है। बड़ी देर कर दी पापा आपने आने में, बाबू रश इतना था, दो बज तो गए रास्ते आते। भर में इतनी इतना पानी इतना खड़ा हुआ था, जगह जगह कीचड़ पानी, आराम आराम से दो। और फिर पेट्रोल भरवाने गए, वहां पर भी 30 40 आदमी बाइकें खड़ी हुई थी हाँ, और ये है। माशाल्लाह से हमारा कराची है ना, कराची में और तो ये होता ही फिर है। जब वहां गया तो वहां पर आगे भी रश, दुकान वाले की भी, ये देखें कितनी बड़ी लिस्ट ये बिल है। है ना। ये 420 रुपये एक है, 401, 1260, 440, 138, 170, महंगाई हो पचास गई। रुपये 65 रुपये, 60 रुपये, 300 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, सारा टोटल ये बिल बन रहा देखें है जी, 3163 रुपये का बिल ये है। सबका मिला के, अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ इस दो चीजों का, बस इन सिर्फ दो चीजों इन का, दो चीजों का तेर माशाल्लाह। कितने 3163 रुपये, दो चीजों के बस। इसमें क्या है, तेल है, चावल है दाल वगैरह और है, दाल बाकी वगैरह, मसाले। और एक दूध का कार्टन है बस, अच्छा है ना। ये तो सौदा घर का हो गया, और अपने लिए भाई मैं ये लेकर आया हूँ खास तौर से, ये देखें जी, ये दो देख। चप्पल के डब्बे हैं, अब देखते हैं इसके हाँ ये अंदर से कौन सा खजाना निकलता है। हाँ ये चप्पल के डब्बे लाया हूँ भैया, ये देखो पहले मैं डब्बे दिखा रहा हूँ। हाँ, एक रेड है, एक ब्लू हाँ है, ये देखो सही है, ये ऐसे कर। देखें अब कौन सी वाली पहले दिखाऊँ, ये जो लाल उनसा दिल वाली? करे ऊपर वाली दिखा दें। चलो ऊपर वाली नहीं, पहले ये वाली दिखा देते हैं। ये ये देखो देखें जी, ये आ चुकी है पापा की चप्पल, ये और हाथ एक नहीं बल्कि में दो दो आ पहन के, चुकी हाथ पे कैसे मैंने। हाथ में पहन के तो शो दिखा रहा हूँ ना, ऐसे क्यों समझ लो हाँ, पाँव में नहीं पहन वैसे लिया, हाथ में मिल ली आपके कपड़ों के साथ। इसके जैकेट के साथ मिल रही है, सही ना। तो ये हाँ देखें अच्छी है ना, ये हाँ देखें एक ये चारों हो तरफ गई, से ये देखें समझा, जी, ये हो गई। और दूसरी और दूसरे भी एक कत्थी है,
दोनों इस बार ब्राउन ब्राउन हाँ है। बट डिजाइन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये देखो हाँ थोड़ा सा डिजाइन अलग है। कैसा है, हाँ ये वाला ज्यादा प्यारा लग रहा है, अच्छा बहुत लग रहा सिंपल है। है ना, बिल्कुल प्लेन है ये, इसमें थोड़ी हाँ सी पट्टियां ज्यादा आ रही हैं। भाई बाजार में मिल रही थी सस्ती सस्ती, लूट लो लूट लो, 500-500 रुपए का, 500-500 रुपए की। ए, मैंने बोला इतना भी नहीं आज होता। आज जो है लूट लो, 1000 रुपए की दो मिली है। कम नहीं करी उसने, मैंने बोला था भाई दोनों के ले ले 800 रुपए, चार हाँ चार सौ बोला नहीं भाई सेल लगी हुई है, रेहड़ी के ऊपर लगी हुई थी सेल, तो रेहड़ी वाले से लिए मैंने। मैं बोला भाई वो इतनी सस्ती क्यों दे रहा है, बोला भाई क्या करें सैलाब आया था, दुकान जो है ना दुकान की छत गिर गई अच्छा है, तो अब वो देखो दुकान सामने दुकान हाँ बिल्कुल ठप हुई पड़ी है, अब रेहड़ी पर लग के बेच रहे हैं, क्या करें ये माल तो बेचना है ना। चलो ठीक है भाई 1000 रुपए की, मैंने बोला ले लो फटाफट वैसे आसरा। वैसे देखें, खाने की चीज इतनी महंगी मिल रही है और चप्पल सस्ती मिल रही है। हाँ चटनी चप्पल यूं सस्ती मिल गई ना बाबू, मेरे नसीब अच्छे, मेरे नसीब अच्छे, इनके 1000 रुपए में दो जोड़ी मिल गई है। हाँ 1000 रुपये में दो अब देखो ये जोड़ी देखो नीचे से भी कहीं जबरदस्त, सही बताए, अगर ना 1000 रुपये में पहनो, दो जोड़ी। अगर ना पहनो सारी सारी उम्र तो ये नई की नई रहेगी, और पहनोगे तो ये 1 महीने में भी खत्म हो जाएगी। तो पहनने इस के लिए चप्पल इंसान की, लाते हैं, ऐसे तो पैसे हाँ जाया हो इस चप्पल की जाएंगे। यही खासियत है, पहनोगे तो 1 महीने में खत्म, सजा के रख लो। तो ये सारा सौदा आ गया भाई है, चलें जी, ठीक है आपकी दो जोड़ी चप्पल हो गई, सोदा हो गया, दूध का ये कार्टन सो, भी हो गया। हाँ ये सौदे की इतनी बड़ी लिस्ट है, क्या करें अभी दोपहर के लिए क्या सोचा है खाने का, कल दोपहर हमने में बल्कि क्या पकाया सालन तो था, है, कल आलू गोश्त पकाया था। आलू गोश्त पकाया। चलो फिर आप गर्म करना क्योंकि देर हो गई। देखें जी, अभी माशाल्लाह से शाम का टाइम हो रहा है, बस ज्यादा से ज्यादा जो है ना 10 से 15 मिनट में, आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा। और पप्पा ने मुझे यहाँ पर बिठाया हुआ था चावल साफ करने के लिए, मेरे चावल भी सारे साफ हो चुके हैं, इनको अभी लेके जाना है। और ये देखें जी, भाई भी यहीं पर बैठे हुए हैं अंधेरे में, पहले जो है ना अंधेरा हो रहा था, अभी फोन की लाइट चलाई है तो थोड़ी सी रोशनी हो गई, ये लाइट अभी नहीं है ना, इस वजह से अंदर चार्जिंग लाइट जल रही है, इधर भी चार्जिंग लाइट जल रही है, और पापा किचन में खड़े होकर काम कर रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ जो है इसमें क्या है, इसमें सफेद छोले, हाँ अच्छा सफेद छोले झाग आ रहे हैं ना, दिख नहीं रहे छोले। और यहाँ पर जो है ना पापा कर रहे हैं मसाला तैयार। मसाला तैयार कर रहा हूँ, हाँ और ये टमाटर हरी टमाटर है भी मिर्ची, काट के रखे हैं, पुदीना भी है। आज जो है ना रायता बनाएंगे दही वाला, क्योंकि हाँ अक्सर रायता जो है ना बनाएंगे। आप लोग बोलते हो कि रायता नहीं बनाते हैं। चले आज बन जाएगा रायता, और आज हम पका रहे हैं छोले वाली बिरयानी, काफी टाइम बाद है काफी ना। टाइम बाद बिरयानी पका रहे हैं, लेकिन अक्सर जो है ना चावल ही पकते रहते हैं। अब जैसे कि कल हमारे व्यूवर्स ने ना काफी शिकायतें करी हैं कि अंकल आप लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हो, तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने कहा कि हम लोग चावल ज्यादा खाते हैं। दरअसल क्या करें, अब मजबूरी है कि बच्चे जो है बच्चे खाते हैं चावल, तो अब पकाने पड़ते हैं, हफ्ते में कम से कम 2 दफा चावल पकते हैं, क्यों क्योंकि शायद चावल की वजह से ही मेरी तबीयत जो है ना डोल रहती है और सांस स्लो चलता है क्योंकि मैं भी मेरा। ज्यादा चावल खाती हूँ, भाई भी ज्यादातर हाँ चावल ही खाते हैं। क्योंकि ये ठंडे होते हैं, इसकी वजह से ही जो है ना मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिसकी वजह से सांस में थोड़ी तकलीफ होती है। तो आप लोगों ने काफी कमेंट आए थे कि आप लोग आप जो है ना चावल खाते हो, तो आप लोगों का शुक्रिया बताने का कोशिश करूंगा कि कम से कम हम चावल खाने पड़ेंगे, मजबूरी है क्या कर सकते हैं। चलें आप तैयारी करें, यहाँ चावल पकाएं, और मैं जो है ना यहाँ से सेटिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना भाई से पापा ने पिसवाई है चटनी, जो कि आज रायता बनेगा, लाइट नहीं है ना, जिसकी वजह से आज सिल पे पीसी है चटनी। तो ये साफ करके इसको खड़ी करती हूँ, और यहाँ कुछ पापा ने बर्तन रखे हैं, इनको धोती हूँ, और यहाँ से पूरी जगह धो देती हूँ जल्दी से। मजे चावल चख लिया आपने, कैसे हैं, ठीक के हैं, बहुत अच्छे हैं। है मजे के हैं। हाँ और अदनान क्या कर रहा है भाई, अदनान रायता ओके बना रहे हैं, क्योंकि अदनान को जो है ना रायते की बहुत सख्त जरूरत होती है कि चावल में रायता लाजमी चाहिए इसमें, है ना, गाढ़ा मुझे भी चाहिए होता है, लेकिन गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए, मैं कहती हूँ। गाढ़ा होना चाहिए। और बस तुम्हें पतला नहीं अगर होना चाहिए, रोजाना चावल दे दिए जाए तो खा लेंगे हम, एंजॉय करेंगे, मजे से शौक से मजे से खाएंगे। चावल ही चावल खाते रहोगे, लेकिन मेरे लिए तो नुकसानदेह है ना, लेकिन ये सारे चावल ही चावल है। अच्छा उसमें क्या है, इसमें गोश्त वाला सालन है, बच गया था, हमने सोचा ऊपर करके अच्छा डाल अच्छा दें। सही है सही है सही है। चलें आज थोड़ा सा मेरे को इसमें कलर फीका लग रहा है ना, नहीं कलर लाजा तो नहीं है, बिल्कुल सही है, सही ऐसा ही है होता है। हाँ नमक वमक सही है चावल में। बिल्कुल सही है, चल नमक डाला है इसमें रायते में भी, नमक डालना है इसके अंदर, अभी मिर्ची और पुदीना डाला है मिर्ची और पुदीना डाला है। पीस के, वो भी ये मिर्ची के 3 हिस्से क्यों कर रखे हैं भाई,
ये दो तीन दफा में काम आ जाएगा ना, बराबर बराबर डाला है मैंने। अच्छा, खाना वाना खा के अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं और मियाँ बैठी हुई यहाँ पे आराम कर रही है, और ये देखें जी, और साथ में इतनी सारी चीजें भी ली हुई हैं। वाह भाई वाह, ये साथ में मैं चीज वगैरह भी खा रही हूँ, ये देखें। वाह क्या क्या चीजें हैं भाई, ये है छालिया, उसके बाद ये है चॉकलेट, फिर ये दाल मोठे, और फिर ये जेली है। एक दो चीजें और भी थी वो जो कि मैं खा गई, और मैंने भाई को मना भी किया था छालिया नहीं लानी, मैंने छोड़ दी, फिर भी दो दो पैकेट लिए। पापड़ मंगा रहे थे तुम तो, चिप्स पापड़, वगैरह। पापड़ तो नहीं खाती ना मैं, पापड़ नहीं खाती। ये छालिया भी छोड़ दी, वो लेकर आ गए भाई छालिया। खाना खाने के बाद जो है ना ये चीजों की भी जरूरत पड़ गई है। मैंने सोचा इतने दिन हो गए नहीं खाई, बहुत कम खा रही हूँ ना आजकल, मंगवा अच्छा लेती हूँ, टाइम पास हो जाएगा थोड़ा सा चलें, बैठ के। वैसे भी लाइट भी चली गई है, ये तो अभी हाँ एमरजेंसी खाना लाइट भी खा चली गई लिया ना। है। और मैं भी बस अब कमरे में जाऊंगा आराम करूं, ठीक है। हाँ लाइट भी बस थोड़ी देर तक आ जाएगी। 9 कितने बजे आती है? थोड़ी देर तक नहीं आएगी, अभी लाइट गई हुई आधा घंटा हुआ है, हाँ 11 बजे आएगी, 11 बजे। 11 बजे आएगी, अभी 9 बजे हैं, 2 घंटे बहुत बाकी देर पड़ी है फिर तो अभी। और आज की इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाफेस।